हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ काम पे, और काम में 2-3 रोज़ पहले से भी कर रहा था, क्योंकि काम का प्रेशर होने की वजह से मैं ब्लॉग वगैरह बनाया नहीं अपने साइड का। और मेरा काम चल रहा है अभी मॉडल टाउन में, और वहाँ पे मैं बना रहा हूँ फ्रंट एलिमेशन। तो आज मैं दिखाऊँगा आपको क्या काम कर रहा हूँ मैं, कैसे बना रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं हाथ मुँह वगैरह धो के रेडी हो गया हूँ, जा रहा हूँ काम पे, और खाना वगैरह खाऊंगा भी, खाना और पैक भी कर लूँगा दोपहर में खाने के लिए। तो मेरे साथ में जा रहा है सहनशाह, उसको मैं साथ में ले जा रहा हूँ, मेरा हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, आज काफ़ी ज़्यादा धुंध है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा ठंड भी पड़ रहा है, तो गाड़ी चलाते वक्त ठंड वगैरह काफ़ी लगता है। तो मैंने दस्ताना वगैरह ले लिया है ताकि ठंड से थोड़ा बचे रहें। फ्रेंड्स, अभी मैं खाना वगैरह खा लिया हूँ, और खाना मैंने पैक भी कर लिया बैग में, और ये है दस्ताना अपना, और जा रहा हूँ गाड़ी स्टार्ट करने, बाइक स्कूटी। और थोड़ा टाइम लगता है इसको स्टार्ट होने में, क्योंकि ठंडा हो जाता है ठंडी के मौसम में। तो चलता हूँ अभी सहनशाह के घर पे, तो उसका भी खाना वगैरह ले लूँगा बैग में, तो निकलेंगे दोनों बंदे साइड के लिए। फ्रेंड्स, अभी आ गया हूँ मैं सहनशाह के घर पे, 8,000 कमाते हैं, एक जगह 15,000 वो कमाते रहा हैं। मुगले सहनशाह। ये कोई राजघराने का सहनशाह नहीं है, ये बेड़े का सहनशाह हाँ, इसका पापा बहुत फिल्म देखता था, है। अच्छा, बोलो। हाँ, इसीलिए सहनशाह बन गया ना। हम सहनशाह फिल्म देखता था, लाल बादशाह देखता था, सब अमिताभ बच्चन का फैन था बहुत बड़ा, अच्छा इसी करके मैं अपने बच्चे का नाम लाल बादशाह और सहनशाह रखा था। अच्छा तो ये अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं, अगर कभी इलाहाबाद में मिले अमिताभ बच्चन तो उनको जरूर बताऊंगा इनके बारे में। अभी हमारा एक लड़का हो गया है 28 साल का, एक 25 साल का, इस करके हम अपने लड़के को जब से नाम रखा था, पैदा होने से पहले सोच लिया था यही नाम रखेंगे। आपको पता था लड़का ही होगा। हाँ, अंतर्यामी थे। विश्वास भी कोई चीज होता है कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है, 10 मिनट लगेगा, तब तक खाना वगैरह पैक हो जाएगा, तो उसके बाद निकलेंगे मॉडल टाउन के लिए। फ्रेंड्स, अभी इसका भी खाना पैक कर लिए और बैग हो गया रेडी, चलते हैं फटाफट साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा साइड, और इसी कोठी में हमारा काम चल रहा है, और ऊपर जो फ्रंट बना है वहाँ पे हम बना रहे हैं ग्रिल। और अभी आपको चल के दिखाता हूँ अंदर का सीन कैसा है, अंदर से कैसे दिखता है ये कोठी। ये इलेक्ट्रिशियन वगैरह और पेंटर सभी लोग लगे हुए हैं, अंदर काम चल रहा है। और ये है सेकंड फ्लोर, और इस कमरे के आगे ही हमारा वो ग्रिल का काम चल रहा है यहाँ पे। ये रहा, और ऊपर वो जो है पाइप वहाँ पे लगाना है, तार पाइप फंसा के रखें ताकि लेवल ना ऊपर नीचे हो,
और ये रहा अपना साइड, और ये है सारे हमारे सामान जिनसे हम काम करते हैं, वेल्डिंग सेट, कटर वगैरह, हैमर, ड्रिल। फ्रेंड्स अब इसको चल रहा हूँ मैं पक्का करने, और अभी दिखाता हूँ आपको कितने हाइट पे मैं काम कर रहा हूँ। तकरीबन ये तीसरा मंजिला है, काफ़ी ऊंचाई पे हमें ऐसे। तो ये सारे जो है इनको पक्का करके भर के उसके बाद नीचे उतर जाएंगे, यहाँ का काम क्लियर। उसके बाद नीचे एक पत्ती लगानी है, उसके बाद हमारा काम हो गया फाइनल, पूरा फिर बहुत काम हुआ है। फ्रेंड्स अभी सारा वेल्डिंग भर दिए हैं, अब इसका रगड़ाई करने जा रहे हैं ताकि देखने में साफ़ सुथरा लगे। पाइप भी लगा दिया हूँ और उधर भी वेल्डिंग हो गया है किनारे में, तो अब रगड़ाई करके क्लियर हो गया, नीचे अब पत्ती लगाना है बस। फ्रेंड्स अभी बज गया तकरीबन 1:30 बज गया और घर का काम कंप्लीट हो गया है सारा, सिर्फ रगड़ाई करना रहता है। तो अभी जा रहे खाना खाने, उसके बाद रगड़ाई करके जाएंगे नीचे, उसके बाद वहाँ पर पत्ती लगानी है जो जिस पे टाइल फ्रंट लगेगा, टाइल रखने के लिए सपोर्ट। तो रोटी खा के अभी चलते हैं नीचे, उसके बाद फिर पत्ती लगाएंगे। यो बाबा जी खाना खाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स अभी पत्ती लगाने जा रहे थे, तो यहाँ नीचे जो है सुराख किए, तो इसमें बहुत ज़्यादा सरिया लगा हुआ है, सरिये आने की वजह से सुराख नहीं हो पा रहा है और काम हमारा रुक गया है। अब टाइल वाले मिस्त्री को बुलाए हैं, वो बताएंगे कि कैसे अब करना है आगे काम, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स अभी तकरीबन बज गए हैं 7 और मैं जा रहा हूँ छुट्टी करने, काम अभी रहता है क्योंकि लेंटर में सरिया मिलने की वजह से काम नहीं हो पाया पूरा, और सरिया रोक रहा था काम को, कील नहीं घुस रहा था उसमें, तो काम जिसकी वजह से थोड़ा पेंडिंग रह गया, बाकी कल कर दूँगा। और मेरा हाल देख सकते हो आप कितना गंदा हो गया है, सुराख मारने की वजह से मिट्टी उड़ रहा था। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।